बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन हार्ट की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम। मौज़े सामिन, वासिफ साहब फरमाते हैं, ज़ख्मी सूअर की मरहम पट्टी करने वाले मुसलमान के बारे में आपका क्या ख्याल है? पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए कितने ही रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सफर करने वाले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अल्लाह की रहमत से इंसान उस वक्त मायूस होता है जब वो अपने मुस्तकबिल से मायूस हो। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, कायनात मजहरे अनवारे इलाह है और इंसान शाहकारे तखलीक। अल्लाह का हर काम मुकद्दस वाला है, तखलीक में कुछ भी बातिल नहीं। किसी एक बुजुर्ग के उर्स मुबारक पर कभी आपने गौर किया क्या क्या नहीं होता? मस्त बल्कि सरमस्त बल्कि दमादम मस्त। दरवेशों की खैमा बस्ती एक तरफ जलवागर होती है, आग रोशन होती है यानी मच जल रहा होता है। उन लोगों के खाने पीने के आदाब अलग हैं। किसी तरफ कवाली की महफिल हो रही होती है, वहां भी लोग रक्स कर रहे होते हैं, कवालों पर रुपए निछावर हो रहे होते हैं। उसी बुजुर्ग के नाम पर जिसका उर्स मनाया जा रहा होता है, किसी तरफ दूध की सबीलें होती हैं, यह दूध मिलावट से पाक होता है। कुछ लोग ढोल पर धमाल का मुजाहरा कर रहे होते हैं, नात खवानी होती है, मिठाइयाँ बिकती हैं, दुकानें सजाई जाती हैं, बच्चों के झूले, थिएटर, सिनेमाओं के अजाफी शो। अब आप ही अंदाजा करें कि उस बुजुर्ग पर क्या गुजरती है जिसने अल्लाह की याद का चिराग जलाया था। बुजुर्गों से निस्बत का इजहार उनके नक्शे कदम पर चलकर होना चाहिए। हज़रत मखदूम अली हजवेरी लाहौर में किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिर नहीं हुए थे, तबलीग दीन के लिए तशरीफ लाए थे। इसी तरह ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में किसी खानकाह पर हाजिर नहीं हुए थे, किसी मिशन पर तशरीफ लाए थे। हमें गौर करना चाहिए, इस बात की वजाहत अपने अपने शयूख से ली जाए। आज के इंसान को मौत के खतरे से ज़्यादा गरीबी का ख़तरा है। पहले गरीब की मौशी हालत की इसलाह करो, फिर उसके ईमान की। अल्लाह के नाम पर खैरात इंसानों के काम आती है, अल्लाह की राह में खर्च इंसानों के काम आता है, ज़कात इंसानों के काम आती है। अल्लाह को कर्ज़े हसना देना किसी इंसान को देना है। नाम अल्लाह का है, काम इंसान के हैं। इंसान खर्च करता है, इंसान के काम आता है और अल्लाह खुश होता है, राज़ी रहता है। मतलब यह कि अल्लाह को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए इंसानों की खिदमत करनी चाहिए। उस दोस्त का गिला कर रहे हो जो धोखा दे गया, गिला अपनी अकल का करो कि धोखा देने वाले को दोस्त समझते रहे। मौज़ सामीन, आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान।